हेलो एवरीवन दिस इज ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि अगर आप ठीक से स्टडी करें या आप ठीक से कुछ स्टॉक्स को अच्छे से स्टडी करें इनफैक्ट तो आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में ऑलमोस्ट फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट पर एन एम आप कमा सकते हैं ठीक है सो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड आप लोगों को समझना चाहिए कि हाउ द इंट्रिकेसिस ऑफ अ स्टॉक एंड हाउ आर इंट्रिकसिस ऑफ स्टॉक मार्केट मैटर्स ठीक है बिकॉज ये बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं जिसके बेसिस पर अगर आप लोगों को आप लोग ठीक से पकड़ पाते हैं कि भाई मार्केट में क्या चलने वाला है कोई पर्टिकुलर स्टॉक है हाउ इज इट प्रोग्रेसिंग इन इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन इट्स मोमेंटम इन इट्स स्टॉक वैल्यू सो उसके बेसिस पर अगर आप उसको ट्रैक रखें तो आप इजिली यू कैन मेक आउट फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट पर एन एम इजिली ठीक है सो बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट की आप इस वीडियो को प्लीज पूरा ध्यान से देखेगा एंड समझने की कोशिश करिएगा बिकॉज अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे तो जरूरी नहीं कि केवल एक स्टॉक है देर आर मेनी स्टॉक्स ठीक है इन विच यू कैन डू सिमिलर काइंड ऑफ थिंग एंड उससे आप जो है आगे अपनी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है प्रॉफिटेबल जर्नी उसमें आप लोग बढ़ सकते हैं ठीक है सो लेट स्टार्ट तो आप लोगों को मैंने अगर आप आ, आ, मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आप लोगों को मैंने आ, अपने कुछ वीडियोस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाया था दैट हाउ आई डू हाउ आई सी द स्टॉक मार्केट सो देयर आर टू कंसेप्ट एक्चुअली सो वन इज वेल्थ एक्मलेशन One is wealth accumulation, and the other one is wealth augmentation. ठीक है दीज आर द टू थिंग्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपने पुराने वीडियोस हैं उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है सो so, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट की आप प्लीज उन सारे वीडियोस को देखिएगा सो so दैट आप लोगों को वेल्थ अक्यूमलेन और वेल्थ ऑगमेंटेशन का जो मेरा कंसेप्ट है इसके बारे में आप लोगों को पता चल जाए एंड बिफोर आई बिगिन आई रिक्वेस्ट की वट आई एम गोइंग टू टीच अबाउट वेल्थ वेल्थलेन वेल्थ ऑगमेंटेशन एंड वॉट एवर द टॉपिक आई एल बी कवरिंग इन दिस वीडियो इज सोलली बेस्ड ऑन माई नॉलेज This is my own personal knowledge and uh, how I see the market and how I uh, actually do trading. Okay, this is how I see the market and this is how I have been uh, following the market. So uh, people may differ uh, in, uh, through in my opinion. So that is acceptable from my side. ठीक है सो ये मेरी नॉलेज है एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के लिए सो दैट इज वॉट आई एम टीचिंग यू ठीक है पीपल कुछ और उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी कुछ और तरीके से वो देखते हैं मार्केट को सो दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल एंड बिफोर आई बिगिन वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से आई एम नॉट आ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और अ रिसर्च एनालिस्ट सो वॉट एवर आई एल बी टीचिंग यू इट्स वॉट एवर आई एल बी टेलिंग यू फॉर द स्टॉक्स और जो भी मैं आप लोगों के से अभी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोज आर नॉट एट ऑल अ रिकमेंडेशन टू बाय सेल और होल्ड इन एनी ठीक है, so let's let's start with it. so there are two things, one is wealth accumulation and the other one is wealth augmentation. ठीक है suppose there is a stock, a koi particular stock le ले lete हैं, ठीक है, this stock ko you have bought, ठीक है आपने 100 रुपीस का ये खरीदा and 100 रुपीस का this stock को आपने रखा over a period of three years, five years, uh, eight years or maybe ten uh, ten years and more. आपने उससे भी ज़्यादा रखा. so whatever the return विध रिस्पेक्ट टू इक्विटी इट दिस स्टॉक विल गिव जो भी इक्विटी एप्रीसिएशन होगा इसमें आपको दीरे दीरे ये कुछ बोनस शेयर देगा कुछ स्प्लिट करेगा तो आपका जो इक्विटी का जितने भी क्वान्टिटी आपने लिया होगा वो आपके बोनस में बढ़ जाएंगे स्प्लिट में बढ़ जाएंगे सो उस तरीके से आपका ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड जितना भी एक्विटी अप्रिसिएशन होगा जो आपने आज एक स्टॉक एक रुपए का लिया है एंड आज से बीस साल के बाद वो अगर <coughs>

आपने एक स्टॉक लिया आपने उसको पकड़ा होल्ड करा आपने उसके फंडामेंटल्स पढ़े हैं एंड यू नो यस दैट दिस स्टॉक इज वेरी गुड एंड मैं इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अपने पास होल्ड करके रखना चाहता हूं यू आर होल्डिंग इट फॉर थ्री इयर्स फाइव इयर्स एट इयर्स टेन ईयर्स वाई आई एम सींग थ्री फाइव एट टेन समथिंग बिकॉज हाउ आई सी द मार्केट इज कि अगर तीन साल में, में मेरा कैपिटल इनफैक्ट एक साल या दो साल में, में मेरा कैपिटल अगर डबल हो जाता है मेरे इन्वेस्टमेंट से सौ रुपए का दो हो जाएगा तो आई विल एग्जिट सो

आपको ये नहीं लगेगा कि आपने इस स्टॉक को बुक नहीं करा दिस इज वॉट माई अंडरस्टैंडिंग इज ठीक है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है आप चाहें तो उसको 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं बट आई वुड आई डू दिस काइंड ऑफ थिंग ओनली इन स्मॉल एंड मिड कैप्स बिकॉज उनके ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है यस yes, अगर कोई स्मॉल कैप मिड कैप में ट्रांसिट हो चुका है yes, लेकिन अगर कोई स्मॉल कैप है स्मॉल कैप में ही रह रहा है जिसका कैपिटल पंद्रह सौ करोड़ था अभी उसका दो हजार करोड़ हो गया बिकॉज ऑफ एक्विटी एप्रिसिएशन तो यस आई आई एम गोइंग टू डू दैट मेरे को अगर कैपिटल में uh, मेरे हंड्रेड परसेंट का इंक्रीमेंट मुझे विदिन अ वन ईयर मिल गया है तो आई विल टेक इट आउट एंड आई विल होल्ड फिफ्टी परसेंट ऑफ माई फ्री शेयर फॉर एटर्निटी बिकॉज आई डूट नो

अब ये जो चीज है इसको आप जरूरी नहीं कि आप पूरा हंड्रेड परसेंट जब आपका कैपिटल डबल हो जाएगा तभी आप करेंगे नो इट्स नॉट लाइक दैट अगर मान लीजिए आपने सौ रुपए में स्टॉक सौ रुपए की वैल्यू पर कुछ स्टॉक वैल्यू खरीदी हुई हुए और वो एक सौ बीस रुपए चला गया है अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं आपके पास कम पैसा है आप हंड्रेड का वेट नहीं कर सकते यू वॉन्ट टू सी मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग थ्रू योर वे एंड आप जानते हैं कि आप अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं ठीक है सो इस जब एक सौ का हो जाएगा सौ रुपए से एक सौ बीस में टेकआउट कैपिटल हंड्रेड रुपीज यू टेक आउट केवल बीस रुपए के शेयर्स अपने पास होल्ड रखिए एक साल दो साल तो होल्ड करिए इसको करने से आपको होगा क्या इससे आपको पता चलेगा वाई इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इज बेनिफिशियल एंड दिस थिंग विल गिव यू अन्फिडेंस दैट यस आप इसको फ्यूचर के लिए लेकर जा सकते हैं क्योंकि आपने कैपिटल निकाल लिया तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है ये 120 से वापस अस्सी रुपए आ गया यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट वाई बिकॉज दीज बीस शेयर आर योर फ्री शेयर एंड अगर ये स्टॉक वापस से 80 या 60 तक जाता है एंड आपको पता है कि अच्छे फंडामेंटल एटलीस्ट दिस स्टॉक वुड बी इन योर रडार सो बाय दैट मीन्स आपको अगर लगता है कि भाई इसने कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल या कहीं अच्छा खासा डिमांड जोन बना रखा है सो दैट इज द टाइम यू कैन अगेन बाय इट एट अ मच लोअर लेवल बिकॉज आप अपना कैपिटल ऑलरेडी इन्फ्यूज जो था वो विद्रॉ कर चुके हैं दैट इज वॉट आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स एंड नाउ आई हैिफ्टेड माई सेल्फ टू दिस कंसेप्ट ऑफ हंड्रेड परसेंट दैट इज हाउ आई हैव लर्न इन्वेस्टिंग इस तरह कर करके

नेक्स्ट दस सबड्यूट परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड अगर वो सबड्यूट भी दे रहे हैं जो नीचे भी गिरे हैं उनसे फर्क क्या पड़ता है जो ये दस हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वेल्थ इज अक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें दिस इज हाउ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग दिस इज हाउ वेल्थ ओके, okay. सो so, हम अपने कंसेप्ट चलते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था इज वेल्थ एक्यूमुलेशन और वेल्थ क्रिएशन यू ऑल्सो कैन से आई एम ओवर हेयर सुपोज देयर इज स्टॉक ए स्टॉक ये ए स्टॉक आपने सौ रुपए पर खरीदा हुआ है ठीक है इसमें आपको स्प्लिट देगा बोनस देगा वॉट एवर इट इज गोइंग टू गिव हम इसको 20 परसेंट पे बुक करना 50 परसेंट पे बुक करना उस पर नहीं जा रहे हैं आई एम जस्ट सेइंग कि मैं लंबे टाइम तक होल्ड करूंगा वो जो है वो इन्वेस्टिंग का है जो मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ दिस इज अ इन यू कैन मेक टू इजीट पर एंड फ्रॉम जस्ट अ सिंगल स्टॉक ठीक है हाउ लेट सी दैट सो दिस इज स्प्लिट बोनस जो भी होगा ओवर कोर्स ऑफ टाइम जो भी होता रहेगा वो होता रहेगा तीन पांच सात दस आठ जितना भी है ओवर अ पीरियड ऑफ टेन इस दिस इज गोइंग टू हैपन नाउ सपोज यू हैव ओनली

सो दिस इज योर एसेट यू हैव बॉट एसेट आपके पास सौ रुपए थे आपने एक ए स्टॉक ले लिया विच इज अ गुड फंडामेंटल स्टॉक एंड उसका वो आपका एसेट बन गया अब आप बोलोगे कि सर मेरी ना लाइबिलिटीज कि मैं लाइबिलिटीज कैसे निपटाऊं ये एसेट सौ रुपए था मैंने इसमें लगा दिया अगर इसी की जगह मैं बैंक में डाल देता तो एटलीस्ट मुझे साल का सात रुपए तो मिल जाता सेवन परसेंट इस सौ रुपए पे मुझे मिल जाता और इस सात परसेंट से मैं अपनी जो लाइबिलिटीज है उनको निपटा लेता मैं उनके ऊपर अपना खर्चा चला लेता नाउ दिस लाइबिलिटीज कैन बी मेट थ्रू एन अदर कंसेप्ट विच इज कॉल्ड वेल्थ ऑगमेंटेशन आपकी लाइबिलिटीज भी मेट होंगी और आपकी वेल्थ में ऑगमेंटेशन भी होगा वो कैसे होगा लेट्स सी दैट नाउ सपोज दिस स्टॉक आपने इसको होल्ड कर लिया एंड यू आर जस्ट होल्डिंग इट फॉर एटर्निटी आपने काफी लाम, लंबे टाइम के लिए यू हैव जस्ट होल्डिंग इट नाउ ये सौ रुपए का ये जो स्टॉक है इफ इट इज गिविंग यू डिविडेंड्स। यहां पर तो हम स्प्लिट, बोनस जो भी मिलेगा इतने लंबे टाइम पे वो उसके अलावा जो इक्विटी एप्रिसिएशन होगा इक्विटी एप्रिसिएशन भी होगा इतने लंबे टाइम के लिए अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो जाहिर सी बात है इक्विटी एप्रिसिएशन होगा

Meet your liabilities and how can you augment your wealth because accumulate or creation to it is happening over here you have pledged these shares to the brokerage house and you have received a margin on it and with the help of this margin, you are doing futures and options and you are making good one to two percent. पर मंथ ठीक है विच विल गिव यू एक या दो परसेंट भी आप लगाएंगे तो मैं मान के चलता हूं भैया बीस परसेंट तक आपका पर एन आपको 20 परसेंट विच इज अ वेरी इजी थिंग अगर आप एफ अगर आप जानते हैं कि हाउ मच यू वांट फ्रॉम द मार्केट सो पर एनएम ट्वेंटी परसेंट एटीन टू इजीली गेट फ्रॉम द मार्केट ठीक है इट इज नॉट कुछ थोड़ी बहुत ऑप्शन uh, सेलिंग में स्ट्रेटेजीज है विच यू कैन अप्लाई थोड़े थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ऑफकोर्स बिना स्टॉक मार्केट में आप बिना मेहनत के सोचें कि आप बैंक को बीट कर देंगे म्यूचुअल फंड को बीट कर देंगे सो इट इज नॉट गोना हैपन म्यूचुअल फंड हाउसेज भी अगर आप देखें तो काफी पांच या सात साल के टाइम फ्रेम पर वो आपको ट्वेल्व

आपको थोड़ा तो सीखना पड़ेगा अगर आप सोचें कि भाई मेरे को सीधा बता दो एक स्ट्रेटजी दे दो तो मैं ये कर लूं और मेरे को प्रॉफिट हो जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता इन म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपनी भी दुकान चलानी है ना यह चाहते हैं कि आप अपना पैसा इनके पास इन्वेस्ट करें ताकि आपको 12 से 15 परसेंट मिले सिर्फ और ये खुद आपके पैसे पे चालीस तीस से चालीस परसेंट कमाए ठीक है तो ये मार्केट में किसी एक सिंगल स्ट्रेटेजी को टिकने ही नहीं देंगे जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स प्रॉफिट थे सो अगर कोई कहता है कि मेरे पास स्ट्रैटेजी है इंक्लूडिंग मी कि मेरे पास स्ट्रैटेजी है और वो जीरो लॉस है और उससे आपको लगाकर नाइनटी नाइन परसेंट बिकॉज एक बाप ऑफ चार्ट का एक था उसमें लिखा था नाइनटी नाइन परसेंट इंडिकेटर एंड दिस इज अट्रैटेजी विच कैन गिव यू बेनिफिट ठीक है सो इव समबडी से मार्केट देर इज नो सच स्ट्रेटेजी खुद से सोचिए अगर वो स्ट्रेटेजी म्यूचुअल फंड हाउसेज वाले ओपनली मार्केट में छोड़ देंगे जिनके पास हजार करोड़ लाख करोड़ रुपए हैं तो हर कोई इनको बीट नहीं कर देगा इनको बीट नहीं कर देगा इनको बीट कर देगा ठीक है तो लोग अपना पैसा इनमें नहीं डालेंगे अगर कोई एक सिंपल स्ट्रैटेजी आर एस आई सत्तर गया तो सेल करना तीस गया तो बाय करना तो इनकी दुकान तो बंद हो जाएगी ना सो दे विल नेवर लेट एनी स्ट्रैटेजी सिंगल स्ट्रैटेजी वर्क इन मार्केट कंसिस्टेंटली यू कैन राइट दिस एंड कीप इट ऑन योर डेस्क

सो फॉर वन टू टू परसेंट पर मंथ एंड ट्वेंटी परसेंट पर एनम आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यू हैव टू लर्न यू हैव टू स्टे इन द मार्केट यू हैव टू लर्न फ्रॉम मार्केट यू वॉट मार्केट इज सिंग जब तक आप मार्केट के एक दो ऊपर के और एक दो नीचे के साइकिल नहीं देख लेंगे आपको मार्केट समझ में नहीं आएगा सो so जल्दबाजी मत करिए टेक यूर टाइम एंड लर्न ओके सो इफ यू आर एबल टू मेक ट्वेंटी परसेंट पर एनम जस्ट बाय डूइंग प्लेजिंग एंड थ्रू एफ एन ओ शेयर एंड बिलीव यू मी अगर आप एक साल तक थोड़ी मेहनत कर लेते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं चीजों को सो इट इज नॉट दैट टफ ओके सो आप ये करेंगे आपका एक से दो परसेंट आपको ट्वेंटी परसेंट पर एनएम इजिली आपको मिल जाएगा ठीक है सो हाउ मच यू हैव गॉट इट ट्वेंटी परसेंट पर एन एम यू हैव गॉट ट्वेंटी परसेंट यानी कि दो सौ सौ रुपए पर आपने बीस रुपए कमा लिए ये तो हुआ प्लेजिंग ऑफ शेयर से मैंने डिविडेंड भी बात किया था सुपोज ये डिविडेंड भी अगर कंटिन्यूसली पे कर रहा है विच इज टू द ट्यून ऑफ ट्वेंटी परसेंट नॉट एवरी स्टॉक इज अ ट्वेंटी परसेंट ऑफ डिविडेंड इट इज नॉट ठीक है टेन परसेंट देते हैं फिफ्टीन परसेंट देते हैं ओवर पीरियड ऑफ ईयर एक साल की मैं बात कर रहा हूं सो so, अगर इतना भी डिविडेंड देते हैं मान लीजिए कुछ स्टॉक्स हैं जिस जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है सो so उसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा आफ्टर ओवाइड सो सपोज यू आर गेटिंग अ डिविडेंड ऑफ ट्वेंटी परसेंट सो डिविडेंड का आपको ट्वेंटी परसेंट मिला एफएनओ में प्लेज करके आपने ट्वेंटी परसेंट लिया हाउ मच यू हैव मेड फोर्टी परसेंट इजीली

एंड आपने मेहनत की है आपने सीखी है चीजें ओके यू हैव इजीली मेड फोर्टी परसेंट पर एनम फ्रॉम जस्ट अ सिंगल स्टॉक एंड अगर मान लीजिए आप थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं आप टू परसेंट कमा पाते हैं तो यू विल बी एबल टू वन ट्वेंटी फोर परसेंट फोर्टी फोर परसेंट डिविडेंड भले ही दस परसेंट हो जाएगा इवन दो इफ इट इज टेन परसेंट इट विल गिव यू इजीली थर्टी परसेंट पर एन एम Even if you are not able to FNO 20%, you are able to make 10%. Only 10% dividends say, you are able to make 20% per annum. You have beaten mutual fund houses. You have beaten bank FDs. You have beaten bonds. You have beaten ETFs. That was your plan. And that is how you can do it. I have done it. I have made more than 50%.

ठीक है, थाउजेंड शेयर एट द रेट ऑफ थ्री हंड्रेड विच इज टू हाई राइट नाउ अभी भी टू एटी चल रहा है दो सौ बीस दो सौ तीस चल रहा था ठीक है लास्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ था तो इट वॉज नियरली अबाउट तीन सौ से काफी नीचे था ठीक है सो इफ यू दिस इज ये आपका एसेट है आपने तीन लाख के शेयर्स खरीदे आपने इसको इन्वेस्ट करके छोड़ दिया you have not done anything. this is what your wealth accumulation or wealth creation. next is wealth augmentation. how will you do it? you have received a dividend of 60 rupees in this, in last one year. so how much 60 into 1000. 1000 shares is 60,000 rupees. how much this is uh, corresponding to 60,000? 20%. so you have got

Conservative approach, mein jaya, and if you are able to make 20% within a year, so dividend say you have done 20% and FNO ke through, you will be able to do 20% more. So, with this, by twenty getting 20% returns in dividend and by doing FNO with a pledged amount of 2.5 lakh, you have made 20% per uh, annum in fno through uh after pledging so overall you have made 40 percent in just one single stock okay so if you if you ask me i have done uh, i have got received this kind of this dividend last year almost 20 percent which was uh of my invested capital so my uh share value was 279 okay so on so i kara then pledging say i have earned more than 30%, 30 percent 30

Trading history. क्योंकि जब भी आप कभी बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस में जितना कमाते हैं है, चार्जेस उसमें उसमें ये सब चीजें होती है दिंग यू शुड मैटर इज हाउ मच इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हाउ मच रेवेन्यू यू हैव जनरेटेड फ्रॉम योर ट्रेडिंग इफ इट इज फोर्टी परसेंट पर एन एम लेट इट भी आपके पांच परसेंट दस परसेंट जाएंगे बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इवन रिलायंस रिलायली एट परसेंट पर एन ठीक है ये इतना ही बना पाता है सो so, अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से थोड़ा बहुत ज्यादा कर पा रहे हैं आपके चार्जेस भी कट रहे हैं बट यू आर मेकिंग प्रॉफिट दैट यू शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू ठीक है बिकॉज ये चार्जेस आपके जो कॉलेट्रल चार्जेस होंगे आपने एक साल में अगर आपको फोर्टी परसेंट का आपने जनरेट कर लिया सो नेक्स्ट ईयर से आपका वो जो चार्जेस है वो कम हो जाएंगे आपके एफ एन ओ की जो वैल्यू होगी कॉलेटरल मार्जिन अलॉन्ग विद कैश वो आपका बढ़ जाएगा सो so, आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा आपके चार्जेस डिक्रीज हो जाएंगे सो दैट इज हाउ यू शुड थिंक इन टू दैट ठीक है सो दिस इज वन स्टॉक इन विच आई हैव डन है पास्ट वन ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में जो पूरा ये मेरा सेटअप रहा है इस सेटअप से आई हैव गॉट दिस थिंग सो दिस इज वन स्टॉक नाउ देर आर मेनी अदर स्टॉक्स Like there is one uh, Vedanta is there, of course. Then, after Hindustan Zinc is there, which is a good good dividend yield, which is giving. Okay? Jinka dividend yield hai. So these are few stocks, like Oil India is there, uh, Oil India is there. Uh, then uh, ONGC is also good. Then uh, Gale is also good. Then uh, Nalco, Nalco is also good. Then uh, then Sale is also there. Then apart from these, there are many others as well. So basically. द स्टॉक्स जिनका डिविडेंड ईल्ड बहुत ज्यादा है दोज आर द स्टॉक्स विच यू कैन थिंक ऑफ फॉर फॉर इन्वेस्टिंग और फॉर डूइंग रेफेनो एंड फॉर मेकिंग अ फ़िक्स्ड इनकम और मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ फोर्टी परसेंट यू कैन इज़ीली मेक फोर्टी परसेंट पर एनम फोर्टी नहीं होगा थर्टी पर एनम होगा थर्टी नहीं होगा सर ट्वेंटी तो होगा ना इतना तो ले पाओगे डिविडेंड भी आएगा एफ भी करोगे कुछ तो लोग एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स को तो बीट करोगे जो आपको 12 से 15 परसेंट का रिटर्न दे रहे हैं बैंक एफ जो आपको 7 से 8 परसेंट दे रहे हैं उनको तो बीट करोगे एंड दैट टू डूइंग बाय योर ओन दैट इज व्हाट इट इज नाउ इसमें मैंने एक और चीज मिस कर दिया दैट एल जस्ट कवर इट नाउ सपोज इफ यू हैव मेड मैंने इसमें uh, अगर मान लीजिए आपने फोर्टी इसमें बनाया जस्ट बाय डूइंग डिडेंट्स एंड बाय ओ एक साइड आप वेल्थ एक्यूमुलेशन भूल गए आपका वेल्थ ऑगमेंटेशन वाला पार्ट की हर साल आपकी जो वेल्थ है इसमें फोर्टी परसेंट का इजाफा हो रहा है सेकंड ईयर में फोर्टी परसेंट थर्ड ईयर में फोर्टी परसेंट फिफ्थ ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में फोर्टी परसेंट का इजाफा हो रहा है अगर आपने ज्यादा नहीं कमाया तो मैं एक फिक्स ले लेता हूं ऑन एन एवरेज हर साल आपका फोर्टी परसेंट का आपका जो वेल्थ है उसमें इजाफा हो रहा है दैट इज आई कॉल इट वेल्थ ऑगमेंटेशन ठीक है ना ये जो वेल्थ है ये जो क्रिएट हो रही है वेल्थ इसमें आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया था ठीक है उसमें आपको इक्विटी एप्रिसिएशन भी मिलेगा अगर मिला तो सोने पे सुहागा ठीक है ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव इयर्स अगर आपको इक्विटी एप्रिसिएशन मान लो फिफ्टी परसेंट भी मिलता है जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है स्टिल पांच साल में पचास परसेंट का इक्विटी एप्रीसिएशन भी मिलता है तो भी पर एन एम यू आर गेटिंग हाउ मच टेन परसेंट इक्विटी एप्रिसिएशन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको इसमें स्प्लिट हो गया या बोनस शेयर इशू हो गए तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग आई एम टेकिंग जस्ट इक्विटी एप्रिसिएशन हुआ है मेरा वेल्थ में ठीक है एंड पचास परसेंट का ही इक्विटी एप्रिसिएशन पांच साल में विच इज वेरी कंजर्वेटिव बहुत कंजर्वेटिव है इट मीन दस परसेंट आपको हर साल उसमें वेल्थ में एक्यूमुलेशन हुआ है। तो ओवरऑल हाउ मच यू हैटेशन एंड टेन परसेंट फ्रॉम योर वेल्थ क्रिएशन विच इज कमिंग थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सो यू आर मेकिंग हाउ मच फिफ्टी परसेंट पर एन जस्ट बाय स्टेइंग सेफ एज मच एज पॉसिबल व्हाट आर दोर्सेज ऑफ इनकम डिविडेंड सेकेंड इज एफ एन ओ वेरी कंजर्वेटिव मैक्स ट्वेंटी परसेंट पर एन एम उससे ज्यादा नहीं कमाना है थर्ड इज योर इक्विटी एप्रीसिएशन जिसको कि हम आर ओई बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी इक्विटी एप्रिसिएशन दिस वन पार्ट इज वेल्थ एक्मलेशन और वेल्थ क्रिएशन में आता है दीज टू पार्ट आर इन वेल्थ ऑगमेंट

so this is is how you will be able to make 50 per annum easily on a a single stock which is having a high dividend yield चीके? मैंने इसमें फिफ्टी परसेंट कंजर्वेटिव इसलिए लिया था जो काफी पांच साल में पचास परसेंट लिया था बिकॉज जो stocks ज्यादा dividend देते हैं जो 10 से ज्यादा 10% 20% ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा देते हैं अपना thing yield उनका उनका इक्विटी का जो एप्रीसिएशन होता है उसका रेट बहुत कम होता है बिकॉज अगर मान लो उसने एक क्वार्टर में बीस रुपए का डिविडेंड दिया तो उसका जो स्टॉक वैल्यू होगा उसकी वैल्यू बीस रुपए घट जाएगी आफ्टर दैट ठीक है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये शॉर्ट टर्म में आप लोगों को दिखेगा लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेन यू टेक अ टाइम फ्रेम ऑफ थ्री ईयर्स फोर ईयर फाइव ईयर और मे बी टेन ईयर्स दिस इक्विटी एप्रिसिएशन वुड डेफिनेटली बी मोर देन फिफ्टी ठीक है सो so, दिस इज हाउ आई हैव डन इट लास्ट ईयर इन ट्वेंट्री ट्वेंटी थ्री मेरे काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने ये किया है ठीक है विच इन्वॉल्व जो मैंने पीछे नाम लिए थे उसमें से काफी सारे स्टॉक so है बाय एनी वेज आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड आई एरे सो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू एनीथिंग की आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए या क्या करिए दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पजेज सो दिस इज द कंसेप्ट दिस इज you you uh, shortlist your stocks ki which are the highest dividend paying stocks विच आर fundamentals acche hain जिनका की फंडामेंटल अगर आप invest करें so you will not regret okay ओके वो ऊपर जाए या नीचे जाए यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट बिकॉज अगर उनका एक लाख करोड़ का बिजनेस है एंड उनका बिजनेस काफी अच्छा है एंड उसके ऊपर गवर्नमेंट इज also डिपेंडिंग अपॉन रिमेंबर दिस थिंग ठीक है सो उन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं सो यू कैन थिंक ऑफ ऑल ऑल दो स्टॉक्स ठीक है सो यू हैव बनाइए उनके पिछले पांच साल का देखिए हाउ मच डिविडेंट ईलन उनका कितना हुआ है पिछले पांच साल का सो बाय दैट मींस ऑन एन एवरेज यू कैन मेक आउट की वॉट वुड बी द इक्विटी एप्रिसिएशन एंड हाउ मच वुड बी द डिविडेंट ईल फॉर नेक्स्ट फाइव इन सो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू मेक हाउ मच वुड बी गोइंग इन योर वेल्थ एक्मुलेशन वाला की टीम है? ठीक है विच इज एक्विटी एप्रिस आर ओई रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर नेक्स्ट फाइव इन एटलीस्ट यू कैन प्रेडिक्ट एटलीस्ट यू कैन मेक सम रफ कैलकुलेशन नो वन कैन नो वन नोस कि भाई ये कितना हो जाएगा पीएसयूज ने पिछले एक साल में दो सौ दो सो तीन सौ तीन सौ परसेंट का रिटर्न दे दिया एंड नेक्स्ट इज योर वेल्थ ऑगमेंटेशन कि आपको डिविडेंड डील से कितना परसेंटेज मिलने वाला है एंड एफएनओ से आप कितना परसेंटेज बनाने वाले हैं सो दिस इज हाउ यू कैन फाइनलाइज योर अमाउंट वेदर यू विल बी एबल टू मेक थर्टी परसेंट आउट ऑफ इट फोर्टी परसेंट आउट ऑफ इट फिफ्टी परसेंट आउट ऑफ इट सिक्सटी परसेंट आउट ऑफ इट सेवेंटी से ऊपर अगर कोई बोलता है तो वो फिर चांसेस uh, है गलत बोल रहा है ठीक है या फिर हंड्रेड परसेंट तक तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो यू शुड नेवर टारगेट फॉर दीस थिंग्स यू शुड ओनली टारगेट फॉर दिस ठीक है क्योंकि जो uh, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है Always remember so, अगर आप बूंद डालना स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है।, है सर सो दैट इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू बिकॉज दिस वॉज दिस हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी एंड बिलीव मी इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया है एंड uh, काफी सारे uh, जो मैंने uh, ट्रेडर्स uh, के बुक्स पड़े हैं उनके थ्रू ये सब निकल निकल कर uh, एक सार आया था सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये जो मेरा है जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया है ये मेरा ऑलमोस्ट uh, एक साल का एक या डेढ़ साल का मेहनत है जिसको मैंने काफी सारे स्टॉक्स में काफी सारी चीजों में रिसर्च कर कर uh, निकाला है एंड दैट इज वॉट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस आई होप uh, कि आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी हो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया हो या इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए उसमें इक्विटी अप्रिसिएशन होता है एंड इफ यू आर एबल टू मेक आउट दैट यस सम चार्ट इज कमिंग अप कुछ फॉर्मेशन हो रहा है जैसे कि यहाँ पर वेदांता ने एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन दिया था उसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था एंड दिस वॉज द लेवल एट टू फोर्टी सिक्स सो टू फोर्टी सिक्स के लेवल के आसपास मेरा जो चैनल है उसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि भाई ऑन ऑन दिसंबर सो आई टोल्ड किस फॉर्मिंग अप एंड इस चार्ट में वेदांत कमिंग आउट ऑफ इट्स स्लमर एंड बिकॉज ये बहुत ज्यादा डाउनफॉल में था एंड देन इट मेड अ गुड रेजिस्टेंस एरिया इट मेड अ इन्वर्टेड हैमर शोल्डर पैटर्न एंड टू के ऊपर इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था सो आफ्टर दै इट इज ऑलरेडी टच्ड टू एज ऑफ नाउ इट इज टूटी सो इट इज मोर देन 15% अगर आपको ऐसा कभी पढ़ आप अच्छे से समझ हैं चीजें आप अच्छे से मार्केट देखें अच्छे से स्ट्रक्चर देखें अच्छे से चार्ट पैटर्न्स जाने तो यू आल्सो कैन फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स एंड इजीली यू कैन जो वेल्थ एक्यूमुलेशन में आप uh, मैंने दस परसेंट एक साल में बनाया था आप दो महीने में बना सकते हैं Because this time it has given more than fifteen percent within two months. If you are comfortable, you take it or take out this money. If you are not, stay invested. Who's stopping you? So yes, uh, that's it from my side, sir. And if you uh, like my content, if you want to learn from me, so this is my channel which is Trading Secrets 88. And if you have not joined this channel, I would request you to join this channel. And in this channel, believe me, I do. I do not want you to be become dependent on me. That you call, take is put. is price. call so that... Uh, वो दूंगा नो इट इज नॉटन आई ऑलवेज गिव दिज काज दीज आर द कांड ऑफ लेवल नाउ द बी एन एफ मूवमेंट मे कम दीज आर दिन आई एम मेकिंग सो आफ्टर दैट वॉट एजन आफ्टर दैट देर इज फैंटासन लर्न you should not be dependent on anyone you should know what market is saying how the market is going to behave okay so with this uh, i would like to say uh, thank you very much for listening to me and i hope aap logon ko ye concept kafi acha laga hoga and ye concept samajh mein aaya hoga i am sure is tarah se जब मैं सीख रहा था तब YouTube पर ऐसा कोई video नहीं था And मुझे खुद से करने में बहुत time लगा था So I am sure आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी समझ आई होगी एंड I am sure आप search करेंगे यू विल यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी की सर प्लीज आप stocks बता दो कौन कौन सेल्फ तभी तो आप सीखेंगे अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं किसी और ट्रेडर के ऊपर मत रहिएगा बिलीव यू मी यू विल नेवर मेक अ प्रॉफिट ऑफ ट्रेडिंग ठीक है सर सो विद दिस थैंक यू वेरी मच सर एंड इफ यू नॉट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन And uh, please uh, like, share, and comment on uh, this video. And if you want to learn a few other things, please comment in the comment section. <laughs> I will try to cover that video as soon as possible. Okay? And before I go, I will be making another video within a very short period of time in which I will try to explain the alternate sources of income that you can make passive source of income. Okay. So that's it from my side, sir. And thank you very much.